एक बार की बात है, रात बहुत अंधेरी थी। मोटू और पतलू अपने घर में बड़े आराम से सो रहे होते हैं। एक पहुंच तभी अचानक वहां एक चोर आता है और मोटू का पैसा वाला बैग चोरी करके ले जाता है। फिर सुबह होती है और मोटू नींद से उठता है और अपने पास पास देखता है एक पहुंच, लेकिन मोटू को अपना बैग कहीं नहीं दिखाई देता। तभी मोटू जोर से पतलू को आवाज देकर उठाता है। फिर कुछ टाइम बाद पतलू उठता है और पूछता है, क्या हुआ मोटू? फिर मोटू पतलू को बताता है कि उसका बैग चोरी हो गया। तभी पतलू मोटू से बोलता है, चलो पुलिस स्टेशन चोरी की रिपोर्ट लिखा के आते हैं। मोटू और पतलू पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। मोटू और पतलू भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन में दरोगा चुलबुल के पास जाते हैं। मोटू और पतलू को भागते हुए देखकर दरोगा चुलबुल मोटू पतलू से पूछता है, एक पहुंच, क्या हुआ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तभी मोटू रोने लगता है। एक पहुंच और पतलू मोटू के बैग चोरी होने की पूरी कहानी सुनाता है। एक पहुंच तभी मोटू दरोगा चुलबुल से अपना बैग जल्दी लाने की रिक्वेस्ट करता है। तभी तीनों मोटू का बैग ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और एक पहुंच दरोगा चुलबुल बोलता है, मोटू जिसने तुम्हारा बैग चुराया है ना, उसमें हम इतने छेद करेंगे कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सास कहाँ से ले और खाए कहाँ से।